नव्या पिढीचा लेखक म्हणून तरुणाईमध्ये प्रसिद्ध असणाऱ्या आणि परिचित असणाऱ्या चेतन भगत याच्या नव्या पुस्तकाचं आज मुंबईत प्रकाशन झालं. मालाडच्या इनऑर्बिट मॉलमध्ये अभिनेत्री सोनम कपूरच्या हस्ते हे प्रकाशन पार पडलं. विशेष बाब म्हणजे या पुस्तकाच्या 5 लाख प्रती प्रकाशनाच्या पूर्वी चाहत्यांनी बुक केल्यात. याआधी चेतनच्या 3 मिस्टेक्स ऑफ लाईफ, 1 नाईट ऍट कॉल सेंटर आणि 5 पॉईंट समवन या पुस्तकांना सुद्धा असाच भारतभरातून आणि जगभरातून तुफान प्रतिसाद मिळाला होता. आणि या पुस्तक प्रकाशनानंतर चेतन भगतशी खास बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी मयूर परिख यांनी. यंग है, आपके सारे कैरेक्टर्स एजुकेशन है या एजुकेशन ले रहे हैं, कमा रहे हैं या कमाने की जो होड़ होती है वही कहीं ना कहीं लगे हुए रहते हैं. क्या इसी में आप एक यंग इंडिया देख रहे हैं? इस तरह सॉरी आज ऑडियो खराब है. इस तरह सॉरी आज ऑडियो खराब है, पर मोस्ट युवा यही ढूंढ रहा है, उनकी लव लाइफ और उनकी मेरी नौकरी और मेरी लव लाइफ, ये सबसे बड़े इश्यूज हैं इस वक्त युवा के मामले में. ब्रेड एंड बटर और उनका रोमांटिक साथी. आपकी इस किताब में क्या सबसे ज्यादा रोचक बात है जो आपको बतौर लेखक बहुत पसंद आई? जो रीजन है इस कहानी लिखने का वो ये है कि ये भ्रष्टाचार के सेटअप में लव स्टोरी है, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो इतना बड़ा बना हुआ है, एक लव स्टोरी जो करप्शन के बैकड्रॉप पर. आपकी इस किताब में क्या सबसे ज्यादा रोचक बात है जो आपको बतौर लेखक बहुत पसंद आई? जो रीजन है इस कहानी लिखने का वो ये है कि ये भ्रष्टाचार के सेटअप में लव स्टोरी है, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो इतना बड़ा बना हुआ है, एक लव स्टोरी जो करप्शन के बैकड्रॉप पर. रिवॉल्यूशन 2020 और इस पर अपने ऑटोग्राफ लेने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी कतार है, ढेर सारे युवा हैं जो अपने हाथों में किताब लिए यहाँ पे खड़े हैं कि उनको अपनी इस किताब पर ऑटोग्राफ मिल जाए चेतन भगत का. मयूर परीख, स्टार न्यूज, मुंबई.